आज 25 जून 2022 में बॉलीवुड के बादशाह ने किए बॉलीवुड में 30 साल पूरे, लोगों ने दिए इस पर अपने रिएक्शन। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की। दोस्तों आपको बता दूं, आज शाहरुख खान ने बॉलीवुड में 30 साल कंप्लीट कर लिए हैं। शाहरुख खान ने बॉलीवुड में एंट्री दीवाना मूवी से की, जो 25 जून 1992 में आई। इस मूवी में लीड एक्टर ऋषि कपूर और दिव्या भारती थी, सेकंड लीड एक्टर शाहरुख खान थे। पहले ये रोल अरमान कोहली को मिल रहा था, बट किस्मत कहें या बदकिस्मत, अरमान कोहली ने ये रोल एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये रोल SRK को मिल गया। इससे SRK की बॉलीवुड में एंट्री हुई बाइक चलाते हुए। इसके बाद SRK ने कई मूवीज की, बाजीगर, डर, कभी हाँ कभी ना, राजू बन गया जेंटलमैन और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कल हो ना हो, सुदेश, मैं हूँ ना, मतलब दीवाना से शुरुआत की और जीरो तक अभी तक सफर चल रहा है। और अब आने वाले 2023 में उनकी पठान, डंकी और जवान भी है, जिसको लेके फैंस भी काफी एक्साइटेड हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि शाहरुख खान के 30 साल कंप्लीट होने पे ट्विटर पे भी ट्रेंड होने लगे शाहरुख खान, लोगों ने भी दिए इस पे अपने रिएक्शन। तो आपको बताता हूँ क्या रिएक्शन दिए हैं लोगों ने। एक यूजर ने लिखा, द एंट्री दैट चेंज द एंटायर इंडियन सिनेमा। तो एक यूजर ने लिखा, 30 ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, 30 ईयर्स ऑफ डेडिकेशन, 30 ईयर्स ऑफ सेपरेटिंग लव, कंग्रेचुलेशन SRK, यू आर ए ट्रूली इंस्पिरेशन फॉर मिलियन। तो एक यूजर ने लिखा, नो गॉड फादर, ओनली हार्ड वर्क एंड प्योर टैलेंट मेक यू किंग। तो एक यूजर ने लिखा, बादशाह ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान कंप्लीट्स 30 ग्लोरियस ईयर इन द इंडस्ट्री। इन 90s डिकेड, मोस्ट नंबर ऑफ ब्लॉकबस्टर, मोस्ट नंबर्स ऑफ ओपनिंग डे रिकॉर्ड्स, मोस्ट नंबर्स ऑफ ओपनिंग वीकेंड्स रिकॉर्ड्स, मोस्ट नंबर्स ऑफ ओपनिंग वीक रिकॉर्ड्स, मोस्ट नंबर्स ऑफ बम्पर ओपनर्स। दोस्तों आपका क्या कहना है शाहरुख खान के 30 साल पूरे होने पे, और आपको शाहरुख खान की कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें।